Hey guys, this is Bunny Jacks be a bike another vlog. आज मैं फिर से ट्रेन ब्लॉग बना रहा हूँ, तो चलो आज मैं बोकारो जाने वाला हूँ, तो फिर से मैं ट्रेन ब्लॉग बना रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर देना। हम लोग थोड़ा लेट से पहुँचे इसीलिए गाड़ी लगा हुआ है हम लोग का, और स्टेशन पे आ गए भागते हुए। यही हम लोग का ट्रेन है भाई, बोकारो जाने वाली रांची। गाड़ी नाम बता देता हूँ भाई, गाड़ी नेम बता देते भाई, रांची जन शताब्दी, और इसका गाड़ी नंबर है 02363। और भी टेंशन नहीं लगा, हम लोग गया से बोकारो जाने वाले हैं, तो बस हम लोग का यही डेस्टिनेशन। और वहाँ पे ये सुबह में आती है, यहाँ पे 7:45 में आ जाते हैं यहाँ पे, और वहाँ पे पहुँचाने का टाइम है बोकारो में 11:30 को, सही मतलब 11:30। और हम मेरा सीट है C3, मिल ही नहीं रहा, देखते हैं आगे आगे है या पीछे। अब जा रहे हैं, अच्छा आ रहे हैं, हम आते हैं उधर से, देख किधर है हम, मेरा हम लोग का मेरा सीट नहीं मिल रहा भाई, C3 कोच अभी स्लीपर में मिला भाई। अभी इस टाइम पे यहाँ पे ऐसा कर दिया कि अभी यहाँ पे लोकल मिलता था टिकट, तो लोकल नहीं मिल रहा है डायरेक्ट, इसमें शायद पूरा एसी है, मेरे को उतना पता नहीं। अब हम लोग का गाड़ी खुलने वाला है भाई, और ये मेरा सीट मिला नहीं है भाई, घूम रहे हैं यहीं पे स्टेशन पर, C3 कोच उस तरफ, तो अभी हम लोग उस तरफ जा रहे हैं। और अभी तत्काल में तुरंत लिया टिकट, तो एसी का टिकट मिला भाई, तो इसमें पूरा बोगी सिर्फ एसी ही है, जनरल नहीं है, जनरल है बट उसमें सीट नहीं अवेलेबल था, मैं उससे मांगा तो वहाँ पे नहीं बताया, तो देख सकते हैं आप, दिखाते हैं। लगता है वो आगे की तरफ है, हम पीछे की साइड आ गए थे, C3 इस तरफ नहीं मिल रहा है। देखो भाई, अगर ट्रेन में जब भी सफ़र कर रहे हो भाई, तो अभी इस टाइम पे ऐसा चल रहा है कि बिना मास्क के आप कहीं नहीं जा सकते हैं, अगर बिहार से हो या कहीं अदर स्टेट से, तो वहाँ पे बिना मास्क का अगर पकड़े जाओगे घूमते, तो आपको 500 का फाइन मार देगा पुलिस लोग, तो सभी बच के रहना भाई इस टाइम पे। चलो आगे कंटिन्यू करेंगे, हम मेरा सीट कहाँ पे है और पता करके आप लोग को बताएंगे, हम आगे जा रहे हैं। C3 तो मिल गया, अभी निकलेंगे। लोग यहाँ से गया से निकलता है ये 7:15 में ये जन शताब्दी निकल जाती है, तो हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। और यहाँ काफ़ी एक्सर रह गया भाई, बाइक में डालते थे और फिर वहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ का तो
अंदर ट्रेन का बता दूँ तो यहाँ सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, एसी का सीट भी कम्फर्टेबल रहता है। तो हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, यहाँ सारा चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल है सारा चीज़। तो ट्रेन में बैठे हुए हैं, अब हम लोग बोकारो 11:30 बजे तक पहुँचे हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना मत भूलना भाई। जल्दी से 1 घंटे होने वाला है तो हर जगह शेयर कर देना, कमेंट करके बताना मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तो चलते हैं आगे, कंटिन्यू करेंगे और फिर वहाँ उतरे उस टाइम का भी बताएंगे किस टाइम पर पहुँचते हैं। चलो बाय। 2000 years later. चलो भाई हम लोग आ गए बोकारो, पहुँच गए। अभी स्टैंडिंग हो रहा है, 11:09 पहुँचा। अरे हम लोग जा रहे, एक और साथ में आया है D9 में है, तो वहाँ से जा रहे हैं। सारा बंद पड़ा हुआ है यहाँ पे भाई, आप लोग देखो। भाई यहाँ का टिकट काउंटर, और निकल गए बाहर गेट के बाहर। इधर वहाँ गया नियर इधर ही हो, बाहर अला के बाद ये देखो स्टेशन। यहाँ से निकलने के बाद आपको रेगुलर ऑटो आपको मिलेगा, एक इस तरफ। अभी हम लोग को राय चौक जाना है, हम लोग को ऑटो के लिए इस तरफ जाना पड़ेगा। ₹30 बोला आप, ₹50 ले रहे। ₹30 नया मोड़ का है बाबू, बस स्टैंड नया मोड़ का। चौक जाइएगा 50, नाइन उतरिएगा 4 उतरिएगा 40। भाई जगह पर जाएंगे, जगह पे राय चौक जाएंगे, लेके जा रहे हैं इनको, बैठाए हुए हैं। कहाँ जा रहे हैं ये अंकल? या ये अंकल हम पहुँचाना है, हम तो सेक्टर ए पे जा रहे हैं। आइए ना, इधर आइए, इधर आइए। ए उधर कहाँ जा रहा है? अरे चार किसके पास जाए, सेक्टर ए बी कोची 8B। हाँ आइए ना। नहीं हम लोग जा रहे हैं, हट रास्ता से हट। कितना भाड़ा बहो? 50 रुपये। तो हम लोग आज ऑटो में जाने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग निकलेंगे। आगे बैठे पीछे बोले नया मोड़ तक से, वहाँ से नया मोड़। हाँ अभी इस तरफ आ जाएंगे, फिर हम फोन करते हैं जैसा होगा वैसा। हाँ पहुँचते तो फिर फोन करते आपको। 1 किलोमीटर लगता है यहाँ पे, हाईवे पे आने के लिए ना स्टेशन से। यहाँ
3 किलोमीटर तो अभी ये वाला हाईवे नहीं पकड़े, पकड़ लिए, पता भी नहीं चला कि हाँ है क्या। चलो आगे दिल बना के काहे डाल दिया है। आई लव झारखंड ऐसे लगे ये 8 जा रहा ना। जाने वाले हैं तो यहाँ पर से यहाँ पे अभी बिरसा चौक से आए हैं और फिर यहाँ से हम लोग ऑटो दूसरा करके जाने वाले हैं। आगे चलते हैं। अब हम लोग पहुंच गए यहाँ पे सेक्टर 8B में हम लोग आए थे तो यहाँ पे हम लोग फाइनल पहुंच गए। अब चलिए घर का लोकेशन दिखाओ, घर तरफ जाने वाले हैं। अब ये रात में नहीं, वो तो रात में होगी ना, बैंड आया वो तो रात में होगी, लेकिन अभी हम लोग फैमिली से मिलेंगे, देखते हैं। चलिए आपसे सभी से मिलवाएंगे फैमिली से तो, और हम लोग जब जाकर धूम मचाएंगे रात में धूम मचाएंगे ना। हम लोग बताते हैं अभी, रुक जाओ, जैसे ये इनको देख, ये उतरते के साथ ही यहाँ झारखंड जैसे ही उतरे हैं सेक्टर बी में, 8B में, वैसे ही कहता है ये सब छोड़ो, ये सब तो मस्ती चलता रहता है भाई। कौन आ रहे हैं? रिसीव करने आ रहे हैं। अच्छा, कौन आ रहे हैं? अच्छा, अजीत जी आ रहे हैं। ये पहले आ चुके थे, हम नहीं आए थे यहाँ पे, तो इनको पता है काफी। ये भी आया था रात में, हम आए थे मैं रात में, हम भटक रहे थे, डल्ला था एक्चुअली में, ये भुला चुका था। हम इस बार नहीं भुलाएंगे, एकदम कंफर्म है कि आगे से जाके ये लेफ्ट में घूमना, और घर भी मेरे को पता है कि कहाँ पे जाना है। चलो जब तक के लिए बाय बाय।